हे गाइज व्हाट्सअप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और इसी के साथ मैं लाया हूँ आपके लिए एक नया लेक्चर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको VIMP लिख लें, ये MPPSC में हर साल इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि ये क्यों एग्जिस्टेंस में आया। STSC एक्ट जो है एग्जिस्टेंस में लाने का पर्पज क्या था? इसका पर्पज था टू प्रिवेंट एट्रोसिटीज अगेंस्ट SCs एंड STs, जो SC और ST कम्युनिटी के लोग, जिन्हें ऑलमोस्ट दलित के नाम से पुकारा जाता है। दलित का इंग्लिश मीनिंग अगर हम देखें तो उसका मतलब होता है डाउन ट्रोडन या एनिहिलेशन, जिसको कुचल दिया गया हो, उसको कहते हैं हम दलित। तो अब इसके पीछे बहुत सारी कहानी है कि प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारी इनके ऊपर अत्याचार होते थे, आज भी हो रहे हैं। अभी हमारे एक दोस्त ने फेसबुक पे इसको लगाया था एक कि बेंगलोर के किसी पार्ट की घटना है, वहाँ पे आप देखेंगे कि जो बेल होती है गांव में, कुआं होती है, उसमें सवर्ण क्लास दैट इज अपर क्लास के लोगों ने वहाँ पे उसमें कुछ पॉइजन डाल दिया था उस बेल में। ये एक इनह्यूमन एक्टिविटी है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा और मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि STSC का जो एक्ट है इसी कारणों से लाया गया था, इनके अत्याचार को रोकने के लिए। चलिए, इसका पर्पज था टू प्रिवेंट एट्रोसिटीज अगेंस्ट SCs एंड STs। ये कब आया एग्जिस्टेंस में? 11 सितंबर 1989, 11 सितंबर 1989 को ये एग्जिस्टेंस में विद इफेक्ट हो गया था, इनैक्ट हो गया था, मतलब कि प्रेसिडेंशियल एसेंट इस पे मिल गई थी, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया था। और इस डेट से ये शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जो था वो इफेक्टिव हो गया था। सवाल ऐसा भी पूछता है कि कौन से ईयर में इफेक्ट हुआ, तो आप कहेंगे कि 40th ईयर, 1990 से ये इम्प्लीमेंट हो गया था, ठीक है। यहाँ 40वां साल, MPPSC फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है और जनरली वो पूछ सकता है कि कौन से साल में इम्प्लीमेंट हो गया था, तो आप लिखेंगे 40वां साल। और ये एग्जैक्ट डेट जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डेट आप अपने नोट्स में जरूर मेंशन करें, इसको नोट करके रख लें, 11 सितंबर 1989। अब जो जो आर्टिकल्स या सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं मैं यहाँ पे उन्हीं को बताऊंगा। आर्टिकल 17 मीन्स हिंदी में कहेंगे इसको अनुच्छेद 17। अनुच्छेद जो है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। और आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिक्स टू अबॉलिश अनटचेबिलिटी एंड टू फॉरबिड ऑल सच प्रैक्टिसेस। आर्टिकल 17 ये छुआछूत जो होता है, अस्पृश्यता होती है, उसको अबॉलिश करता है, खत्म करता है। ये क्वेश्चंस आई थिंक पिछले बार के MPPSC में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के MPPSC के क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जा चुका है, अबॉलिश अनटचेबिलिटी, ठीक है। और ये फॉरबिड मींस मना करता है, रजिस्टर करता है ऑल सच प्रैक्टिसेस, इस तरह की जो भी प्रैक्टिसेस हैं अनटचेबिलिटी से रिलेटेड या इग्नोरेंस, उनको आप घृणा के भाव से देखना, ये सब चीज़ें जो है वो आर्टिकल 17 क्या करता है, अबॉलिश करता है, इसको ख़त्म करता है। और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप पुट 5 स्टार हेयर, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है, द पर्पज ऑफ द एक्ट वॉज टू हेल्प द सोशल इंक्लूजन ऑफ दलित्स इन टू इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी का जो मेन स्ट्रीम है, आप जनरली पाएंगे कि इन कम्युनिटी के लोगों को आज़ादी के इतने सालों बाद भी मैं देखता हूँ कि ऐसा इनको फेस करना पड़ता है, ये नहीं होनी चाहिए, एक इनह्यूमन कंडीशन है, आखिर है तो सभी ह्यूमन बींग्स, तो हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ भी, दूसरों के साथ भी समान व्यवहार करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम किसी को घृणा के भाव से देख रहे हैं। ये इस एक्ट को लाने का पर्पज यही था। और STSC एक्ट ये बताता है कि इसका पर्पज था टू हेल्प द सोशल इंक्लूजन मीन्स सामाजिक समावेश, जिसको कहेंगे हम अब दलित मीन्स डाउन ट्रोडन पीपल, जिनको कि कुचल दिया गया हो। इंडियन सोसाइटी का जो मेन स्ट्रीम का पार्ट है, दलित्स आज भी वहाँ पे अपने आप को इन्फीरियर महसूस करते हैं। तो अगर दलित भाई जो भी इसको देख रहे हों इस लेसन को, मैं उनसे अपील करूँगा कि आप इन्फीरियर नहीं हैं, यू आर इक्वल इन द आई ऑफ ला के आई में आप इक्वल हैं, और वैसे भी इक्वल हैं, आपको डरने की या इन्फीरियर होने की ज़रूरत नहीं है।
डॉक्टर बी आर अंबेडकर हु इज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जब ड्राफ्ट हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन तो उसके जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हैं वो डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे. डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इनका फुल नेम है. एंड ये थे उस समय एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बॉम्बे. यू वहां के बॉम्बे कंस्टिट्यूएंसी से एमएलसी थे. साइटेड का मीनिंग होता है हिंदी में अदालत में तलब करना या किसी के सामने पेश करना कहना. सम अर्ली इंस्टेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज. एट्रोसिटीज का मीनिंग है हिंदी में अत्याचार. अगेंस्ट दलित इन हिज सबमिशन टू द इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन दैट इज साइमन कमीशन. साइमन कमीशन भारत में कब आया था आपको पता होगा 1928 में साइमन कमीशन आया था और ये था इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन. और इसको साइमन कमीशन के क्यों नाम से जाना गया जब इसका नाम इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन था तो और इसका बहुत भारी मात्रा में विरोध भी हुआ था उस समय. इसको साइमन कमीशन इसलिए नाम दिया गया क्योंकि जिसको हेड करने वाले थे जो इसके चेयरमैन थे वो थे सर कमीशन साइमन कमीशन. साइमन इनका जो टाइटल नेम था वो साइमन था इसलिए इनको कहा गया. इनका पूरा नाम था अल्सब्रुक साइमन. इनके जो टाइटल नेम पे है इसको रखा गया साइमन कमीशन. ऑन बिहाफ ऑफ द बहिष्कृत हितकारिणी सभा ऑन 29 मई 1928. दोस्तों ये एमपीपीएससी में मैच मेकिंग टाइप का क्वेश्चन नहीं आता कि जैसे यहां पे लिख दिया कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर एंड उसके फ्रंट में लिखा कि बहिष्कृत हितकरणी सभा. इस तरह का मैच मेकिंग का क्वेश्चन नहीं आता है. लेकिन ये एग्जाम्स जो हैं वो अनसर्टेन हैं अनप्रिडिक्टेबल हैं. कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है चाहे वो कोई भी सिविल सर्विस का एग्जाम हो. इनके पैटर्न हर साल चेंज होते हैं. तो इसमें मैं कहूंगा कि आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो कि लीड करते थे बहिष्कृत हितकारिणी सभा. क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा से कौन जुड़ा था. तो वो जुड़ने वाले जो व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर. चलिए मैं इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात करूंगा. यहां पे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन का मतलब होता है हिंदी में धारा. चलिए defines various types of atrocities against SCs and STs. धारा तीन आपको ये चीज याद रखनी है. सेक्शन थ्री ये क्या करता है? डिफाइन करता है क्या एट्रोसिटीज अगेंस्ट SCs and STs. जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लोग हैं उनके अगेंस्ट जो अत्याचार होता है उसको डिफाइन करता है कौन सा? सेक्शन थ्री. सेक्शन थ्री डिफाइन करता है. ये आप याद रखेंगे. यही पूछा जाता है कि सेक्शन थ्री या धारा थ्री में क्या मेंशन है या क्या डिफाइन करता है ये. तो आप कहेंगे कि एट्रोसिटीज अगेंस्ट एससीज एंड एसटीज दैट इज अत्याचार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ जो डिफाइन किया गया है वो सेक्शन थ्री में है. चलिए प्रिस्क्राइब्स स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट टफ पनिशमेंट रिजिड पनिशमेंट जो है फॉर सच एट्रोसिटीज. ये सेक्शन थ्री क्लास वन एंड सब क्लास और भी दिया है उनको आपको ध्यान नहीं रखना है. सेक्शन थ्री क्लास वन तक आपको याद रखना है. इसमें स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर सच एट्रोसिटीज. इस तरह के जो अत्याचार हैं उनके लिए धारा तीन खंड एक में उनके लिए टफ एक्शन लेने की बात कही गई है प्रिस्क्राइब है. पनिशमेंट फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज बाई ए पब्लिक सर्वेंट. अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है और एससी और एससी कम्युनिटी का लोग है वो कोई गया अपनी शिकायत को लेकर के पब्लिक सर्वेंट के पास. सपोज हम करते हैं कि वो एक आईएएस ऑफिसर है या डीएम है जिले का कलेक्टर है डिप्टी कलेक्टर है उसके पास अगर ये अपनी शिकायत लेकर जाता है और पब्लिक सर्वेंट जो है उसकी बात को किसकी एससी और एसटी कम्युनिटी के लोगों की बात को अगर नेग्लेक्ट करता है नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज तो वो किस सेक्शन में मेंशन है? वो सेक्शन में आपके मेंशन्ड है सेक्शन फोर. आई थिंक यहां पे दिख नहीं रहा है. चलिए यहां पे कट गया. मैं आपको बताता हूं कि ये सेक्शन फोर में मेंशन्ड है. यहां पे है सेक्शन फोर ठीक है. पनिशमेंट फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज बाय पब्लिक सर्वेंट सेक्शन फोर. ओके मैं समझता हूं कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा. चलिए
आगे चलते हैं, यहां पे आप स्टार पॉइंट मार्क करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अटैचमेंट एंड फॉरफ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी संपत्ति का जब्ती करना, अटैचमेंट करना, ये क्या है, सेक्शन 7, दैट इज धारा 7 में मेंशन है। एक्सटर्नमेंट, एक्सटर्नमेंट का होता है मतलब निष्कासन, एक्सटर्नमेंट ऑफ पोटेंशियल ऑफेंडर्स, सेक्शन 10, अगर कोई पोटेंशियल ऑफेंडर है, क्राइम करने वाला है, उसका निष्कासन, जैसे आपने सुना होगा कि एक जिले से किसी व्यक्ति को दूसरे जिले में ट्रांसफर कर देना, वो एक साल तक नहीं आएगा, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में उसका निष्कासन कर देना, ये गवर्नमेंट करती है, तो ये है आपका एक्सटर्नमेंट, निष्कासन इसका हिंदी मीनिंग होता है। ऐसा अगर कोई चीज है तो वो है मेंशन है सेक्शन 10 क्लास 1-3, इस तरह की चीजों में मेंशन है, आपको सिर्फ रखना है याद धारा 10वीं में ये मेंशन है निष्कासन। चलिए आगे मैं देखता हूं, क्रिएशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट आप कौन सी धारा में मेंशन है, सेक्शन 14, 14वीं धारा में स्पेशल कोर्ट के बारे में बताया गया है। स्पेशल कोर्ट जहां पे स्पीडी ट्रायल्स, जहां पे आपको फास्ट डिसीजन मिलता है, कोई भी आपको फास्ट न्याय मिलता है, वो होते हैं स्पेशल कोर्ट, और वो धारा 14वीं में मेंशन है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 15, जो ये दोनों पॉइंट्स हैं मैं बताना चाहूंगा, दिस वन एंड दिस वन, इसको आप 5-5 स्टार वहां पे मार्क कर लें, ये दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू इम्पोज कलेक्टिव फाइन्स, गवर्नमेंट को कौन सी धारा ऐसी है इस एसटीएससी एक्ट में जो 1999 में लाया गया था, कौन सी ऐसी धारा है जो गवर्नमेंट को इम्पावर करती है क्या करने के लिए, इम्पोज करने के लिए कलेक्टिव फाइन, कि जिन लोगों ने क्राइम किया है उनके ऊपर कलेक्टिव फाइन लगाया जा सके, वो इम्पावर करता है कौन सा, धारा 16 में। डिनाइल ऑफ एंटीसिपेटरी वेल सेक्शन 18, डिनाई करेगा, ये एक्ट में ऐसा मेंशन है, एंटीसिपेटरी वेल सेक्शन 18। डिनाइल ऑफ प्रोबेशन ऑफ कन्विक्ट, अगर कोई दोषी है तो उसके लिए डिनाइल होगा कि उसको जल्दी से जैसे कि बेल ना मिले, वो सेक्शन 19 में मेंशन है। प्रोवाइड्स कंपनसेशन रिलीफ रिहैबिलिटेशन ऑफ विक्टिम, रिहैबिलिटेशन ऑफ विक्टिम एट्रोसिटीज आर देयर लीगल हेयर्स, यहां पे शायद दिखाई नहीं दे रहा, ये यहां पे है लीगल हेयर्स, ओके लीगल हेयर्स जो भी हैं, जैसे आपके आपके पेरेंट हैं, पेरेंट के बाद आप उस प्रॉपर्टी के लीगल हेयर्स होंगे, ये धारा 17वीं में मेंशन है, एट्रोसिटीज आर देयर लीगल हेयर्स, ये है धारा 17वीं में मेंशन है ये, और इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। आइडेंटिफिकेशन, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एट्रोसिटीज प्रॉन एरियाज सेक्शन 17 क्लास 1, अब यहां पे आपको क्लास 1 भी ध्यान रखना है, ये धारा 17 खंड 1 में मेंशन है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एट्रोसिटीज प्रॉन एरियाज, जहां पे अत्याचार फ्रिक्वेंटली होते हैं, जनरली वहां पे अत्याचार होने की संभावना है, ये एसटीएससी एक्ट के कौन सी धारा में मेंशन है, धारा 17 क्लास 1। सेटिंग अप अ मैंडेटरी पीरियोडिक मॉनेटरी सिस्टम एट द डिफरेंट लेवल्स सेक्शन 21, यहां पे आप मैंडेटरी पीरियोडिक मॉनिटरिंग करेंगे डिफरेंट लेवल्स, चाहे वो मान लीजिए कि स्टेट लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, विलेज लेवल पे हो, कहीं भी वो सेक्शन 21 में मेंशन है, नेशनल लेवल पे ये मेंशन है सेक्शन 21 क्लास 2 सब क्लास 5। स्पेशल कोर्ट जस्टिस, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं यहां पे बता रहा हूं, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, ये प्री में नहीं तो मेंस में ऐसे केसेस पूछे जा सकते हैं, लेकिन सिंस ये केस है इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे, ये प्री में पूछा जाएगा, या इस केस को मेंशन करने के लिए आपको जैसे कि डिटेल में इस केस में क्या हुआ था इससे रिलेटेड चीजें पूछी जा सकती हैं। स्पेशल कोर्ट जस्टिस रामास्वामी ऑब्जर्व इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस इनगेल,
स्पेशल कोर्ट के बारे में मैंने बता दिया कि ये तो धारा 14वीं में मेंशन है, लेकिन स्पेशल कोर्ट कब से आया था? स्पेशल कोर्ट आया था इस केस के बाद, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस इनगिल। इस केस को आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे कि स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस इनगिल क्या आया था, और इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी कर लेंगे आप। इस केस के बाद ही स्पेशल कोर्ट का आया था, जो कि धारा 14 में मेंशन्ड है। चलिए कुछ और मैं बताना चाहूंगा आपको जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट इन डी रामालिंगम रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश टुक द पोजीशन दैट प्रोविजंस ऑफ रूल 7 रूल 7 आर मैंडेटरी मीन्स कंपल्सरी, हेल्ड दैट इन्वेस्टिगेशन अंडर द एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अत्याचार का जो निवारण है अधिनियम हैज टू बी कैरिड आउट बाय ओनली एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अगर एससी एससी का बंदा कोई भी केस लेकर जाता है, कोई भी जो इस कम्युनिटी के लोग हैं केस लेकर जाते हैं, तो उसको हैंडल करने का अधिकार जो लो रैंक के पुलिस ऑफिसर हैं उनके पास नहीं है, डीएसपी या उससे ऊपर, डीएसपी एसपी या उससे कोई ऊपर, ये लोग ही, ये ऑफिसर जो हैं कि वो एलिजिबल हैं कि इनके केस को हैंडल करेंगे। जो डीएसपी से बिलो रैंक के ऑफिसर हैं पुलिस में, जैसे एसआई हो गया, एसआई को भी पावर नहीं है कि वो एसटी एससी के केस को हैंडल करेगा, इंक्वायर करेगा। डीएसपी से बिलो रैंक एलिजिबल नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछले एमपीपीएससी में, इसको आप ध्यान रखेंगे, रिपीट होने की संभावना है। एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीएसपी। चलिए यहां पे मैं तीन केस बता रहा हूं आपको, ये केस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हो सकता है कि प्रीलिम्स में पूछा जाए। जो सेकेंड केस है डॉक्टर रामकृष्ण बलोथिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस रिलेटेड है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, जो अत्याचार का निवारण का एक्ट है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड 1989 में जो आया। ये केस आप स्टार मार्क कर लेंगे, ये पूछा जा सकता है, डॉक्टर रामकृष्ण बलोथिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें वो है पुट 5 स्टार हियर, इट एक्सटेंड्स होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर ये जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का एक्ट है, ये जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होता है। एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ये होल इंडिया मतलब पूरे भारत में जम्मू और कश्मीर एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पे एस सी एस टी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 लागू नहीं होता है, उसके अलावा ये पूरे भारत में लागू होता है। चलिए ह्यूमन राइट्स कोड के बारे में हमने बता रखा है पहले भी आपको, ह्यूमन राइट्स कोड्स मीन्स द ह्यूमन राइट्स कोड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 13। आपसे ये पूछ सकता है कि कौन सी धारा के अंतर्गत ह्यूमन राइट कोड्स जो है वो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज दैट इज अत्याचार निवारण अधिनियम जो है 1989 का एस टी एस सी एक्ट, उसमें कौन सी धारा में ह्यूमन राइट्स कोड्स मेंशन्ड हैं, वो लिखेंगे आप धारा 30। धारा 30 जो है वो करता है ह्यूमन राइट्स कोड्स को मेंशन, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज मीन्स द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3। ये सेक्शन 3 इस एक्ट का सेक्शन 3 नहीं है, जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी है उसका सेक्शन 3 है ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992। नेशनल कमीशन फॉर एससीज शेड्यूल कास्ट मीन्स द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल 43 ऑफ 2006। ये शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल नहीं है, शेड्यूल्ड 43 ऑफ 2006 ये एनवायरमेंट एक्ट का जो शेड्यूल है 43 उसमें मेंशन्ड है
कास्ट रेफर्ड टू इन आर्टिकल 338, ये मैं बता चुका हूं आपको, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एससी वाले में बता चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी कि अनुच्छेद 338 में नेशनल कमीशन फॉर एससीज बनाया गया है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स मीन्स नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल 43 ऑफ 2006 ट्राइब्स रेफर्ड टू इन आर्टिकल 338, ये किस लिए है? एसटी कम्युनिटी के लिए है। आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, ये 338 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है आर्टिकल 338 शेड्यूल ट्राइब, आर्टिकल 338 शेड्यूल कास्ट। चलिए आगे मैं आपको बताता हूं, नेशनल कमीशन फॉर वेमेन्स मींस द नेशनल कमीशन फॉर वेमेन कंस्टिट्यूटेड अंडर 20 ऑफ 1919 सेक्शन 3 ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वेमेन एक्ट 1990। ये जो सेक्शन 3 है, धारा 3 है, ये नेशनल कमीशन फॉर वेमेन एक्ट 1990 के वाला धारा 3 है, ये एसटी एससी एक्ट का धारा 3 नहीं है। एससी एसटी एक्ट में आपको धारा 3 में जो मिलेगा वो मिलेगा एट्रोसिटीज अगेंस्ट एससीज एंड एसटीज, मैंने पहले ही बता दिया आपको और ये काफी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक सर्वेंट हैव द मीनिंग असाइंड 45 ऑफ द 1860 टू इट इन सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। ये सेक्शन 21 इंडियन पेनल कोड में मेंशन है क्या? पब्लिक सर्वेंट 45 ऑफ 1860 रूल। स्टेट कमीशन मीन्स अ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 21। सेक्शन 21 में क्या है मेंशन? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में मेंशन है सेक्शन धारा 21 में स्टेट कमीशन। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें टोटल 23 क्या है, धाराएं हैं। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज का जो एक्ट है इसमें टोटल धाराएं कितनी हैं? 23 हैं। और जो धाराएं इंपॉर्टेंट थी मैंने यहां पे बता रखा है, और इसके अलावा 5 चैप्टर हैं जिसको कहेंगे आप अध्याय, 23 सेक्शन एंड 5 चैप्टर्स, 23 धाराएं 5 अध्याय, ये भी आप इंपॉर्टेंट रख लेंगे। फैक्चुअल चीजें जो है एमपीपीएससी जनरली पूछा करता है इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1928 में जो साइमन कमीशन आया है, ये थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ आपको, ये हिस्ट्री का पार्ट है, जो मैं एनसीईआरटी की हिस्ट्री डिस्कस कर रहा हूँ उसमें आप पाएंगे साइमन कमीशन के बारे में डिटेल में, वहाँ पे आपको बताऊंगा। थोड़ा सा मैं डीप में बताना चाहूंगा कि 1928 में साइमन कमीशन भारत में पहुंचा, लेकिन इसका विरोध हुआ भारत में, इंडिया के लोग इसका विरोध कर रहे थे, कांग्रेस जो आईएनसी थी उसका विरोध कर रही थी। क्यों? क्योंकि जो ये आया किस लिए था, इसका उद्देश्य क्या था साइमन कमीशन का इंडिया में आने का? टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन ब्रिटिश ऑक्युपाइड इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को डिस्कस करने आया था इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म मीन्स संवैधानिक जो सुधार हो सकते हैं इंडिया के लोगों के लिए। साइमन उसके हेड थे, साइमन उसका उसमें सुधार करने आए थे, संवैधानिक क्या सुधार हो सकते हैं इंडियन पीपल के लिए, उस समय तक का जो रूल था इंडिया में। इसका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसमें जो मेंबर थे वो एक भी आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 1885 में जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उसके कोई भी मेंबर उसमें शामिल नहीं थे, या इंडिया का कोई भी मेंबर उसमें शामिल नहीं था, इसलिए इंडिया के जो लोग थे उन लोगों ने साइमन कमीशन का काफ़ी विरोध किया था और नारा लगाए थे साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। फ्रेंड्स मैं कहना चाहूँगा कि ये मैं इंग्लिश में आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ जानकारी दे दिया हूँ,
पार्ट टू अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का पार्ट टू में हिंदी में मैंने समरी बनाया है। ऑलमोस्ट आप अगर उसको करेंगे तो उसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये जहां जितना मैंने यहां पे बताया इसको उन दोनों को करने के बाद इसमें से जो भी क्वेश्चन बनेगा ऑलमोस्ट वो कवर करेगा। 80-90% प्रोबेबल क्वेश्चन यहां से बनेंगे। और दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब आप YouTube प्ले कर रहे होंगे तो वहां पे रेड कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेंगे। सब्सक्राइब को क्लिक करने के बाद जस्ट एक बेल आइकन आएगा, घंटी आएगी, उस घंटी पे क्लिक कर देंगे। उससे डायरेक्टली जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसके बाद वीडियो आपके पास आपके स्मार्टफोन में अवेलेबल हो जाएगी। यहां से अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फ्रेंड्स इसके पार्ट टू में मैं लेकर आ रहा हूं समरी, जो कि एक प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं जहां से जिन धाराओं से वो मैंने बनाया है वो पार्ट टू में आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन, हैव अ नाइस डे।